हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अरविंद स्टडी सेंटर। मैं आपका साथी अरविंद कुमार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कैसी चल रही है आपकी सीटेट का स्टडी कैसी चल रही है, तो आप लोग कमेंट करके और कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप प्रैक्टिस सेट रोज़ मार रहे हैं, उसमें आपका हम एक विषय जो कि संस्कृत पेडागोजी 15 नंबर का आता है, वह पेडागोजी हम 15 नंबर आपको बताएंगे। आप बिल्कुल कंप्लीट कराएंगे। आपको संस्कृत कुछ भी नहीं आता है तो हम आपको बताएंगे। हाँ, इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो डालेंगे वह सबसे पहले आपको मिलेगा। और आप अच्छा तरह से तैयारी संस्कृत के कर लीजिएगा। अब पक्का मैं गारंटी देता हूँ, 15 में 15 आपको लेके आइएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपको नहीं पढ़ने आता है तो देखिए हम कैसे समझाएंगे आपको। देखिए क्या है, अधस्तेनेषु की भाषा अधिगरने अधिगमे और मूलतः पर्थ्य वर्तते। यानी आपको क्या है जो पूछेगा, यह भाषा से संबंधित है। संस्कृत और हिंदी बिल्कुल भाषा से संबंधित है। आप बच्चे को भाषा के माध्यम से पढ़ाते हैं तो मेन पॉइंट क्या है, भाषा अधिगरने। भाषा अधिग्रहण बच्चा कैसे करता है, तो वह शुद्धता वेगच नहीं, शुद्ध खाली बोल के नहीं भाषा अधिग्रहण कर सकता है। वेग स उच्चारणम ये इससे भी नहीं कर सकता है। प्रवाहम शुद्ध प्रवाह, धरा प्रवाह बोल के आप क्या भाषा अधिग्रहण कर सकते हैं? नहीं। लेकिन क्या करना है, आपका डी आंसर होगा, क्योंकि भाषाया सम्मुखायम क्या कह रहा है कि अस्तेनुषि की भाषा अधिकरण मूल भाषा पर्थ्य वर्तते। यानी इसका आंसर जो होगा, भाषायां सम्मुख्यम यानी पदतेषु विकल्पे भाषाया सम्मुखम एवं भाषाया अधिकरण मूलतः पाठ्यक्रम अस्ति। यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 37 नंबर देखते हैं। 37 नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या है, मातृभाषाया संसाधन रूपेण प्रयोग दृष्ट्वा अधोलिखितेषु का उक्ति न, मतलब नहीं समीचु। यानी मातृभाषा संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसमें देखना है आपको कि कौन सा आंसर होगा आपका। तो शिक्षण विधिना विस्तारार्थ मातृभाषा सहायक क्रोति। फिर दूसरा देखते हैं, यहाँ तो ए नंबर जो है वह ए तो नहीं है, ये होगा नहीं, शिक्षण रूप से नहीं होगा। द्वितीय भाषाया उपेक्षा कितु मातृभाषा सहायक क्रोति। यानी आपका मातृभाषा यहाँ क्या है, द्वितीय भाषा, मातृभाषा यानी द्वितीय भाषा से संबंधित आएगा, तो मातृभाषा एक संसाधन के रूप में कार्य नहीं करता है। इसको हम कह सकते हैं, मातृभाषाया संसाधन रूपेण प्रयोग दृष्ट्वा द्वितीय भाषाया उपेक्षा कृतु मातृभाषा सहायक क्रोति इति उक्ति समीचा नास्ति। अब चलिए 38 नंबर चलते हैं। हम 38 नंबर चलते हैं। आपको नहीं पढ़ने आता है तो हम आपको बता रहे हैं। प्राथमिक स्तर बालकस्य भाषा विकासते सर्वते महत्वपूर्ण आस्ति। यानी इसको आपको हिंदी में कर लेना है। प्राथमिक स्तर पर बालक के लिए भाषा विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, भाषा विकास के लिए आपको क्या होगा, तो भाषा विकास के लिए आपको यहाँ देखिए मेन पॉइंट आपका भाषा विकास है। तो भाषा पाठ्य पुस्तकम नहीं, खाली पाठ पुस्तक से नहीं सीख सकते हैं, बालकस्य आकलन से नहीं सीख सकते हैं। आप आकलन करिएगा तो वो सीख नहीं सकते हैं, आकलन में उसकी क्षमता को पता चलता है। इसमें व्याकरणस्य ज्ञानम नहीं, व्याकरण के माध्यम से भी भाषा सीखा जाता है, लेकिन आप इसको व्याकरण के रूप में आप शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना ये सब, लेकिन भाषा विकास के लिए क्या सही है, तो भाषा समृद्ध वातावरणम, भाषा समृद्ध वातावरणम आपका भाषा से संबंधित आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्योंकि
क्योंकि यह भाषा समृद्ध वातावरण में रहकर सीख सकता है। वातावरण और भाषा समृद्ध जो है यह टैग वर्ड सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है, पॉजिटिव वर्ड है, इसलिए भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाषा समृद्ध वातावरण, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं 39 नंबर। चलिए इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं। चलिए आइए, यहाँ क्या है देखिए, पत्राधानम यानी आप पोर्टफोलियो कह सकते हैं इंग्लिश में, एकम उदाहरणम अस्ति यानी पत्राधानम के लिए, पोर्टफोलियो के लिए कौन सा एक उदाहरण अच्छा है। तो आप देखिए इसमें क्या है, उभय स्वतः आकलनस्य शिक्षिकालस्य च, ये अच्छा है लग रहा है, लेकिन आगे देखते हैं, राज्य बोर्ड द्वारा आकलनस्य गलत है, क्योंकि राज्य बोर्ड के द्वारा आकलन पोर्टफोलियो में कोई ज़रूरी नहीं है उसका देना, स्वतः आकलन, स्वतः तो टैग वर्ड अच्छा है सीटेट के लिए, लेकिन आपका स्वयं आकलन करना नहीं, वो बच्चा स्वयं आकलन इसमें नहीं करता है पोर्टफोलियो में, बच्चा का पूरा जो रहता है उसके माता का पिता का नाम, उसमें कौन सा वर्ग कक्षा सब कुछ दिया हुआ रहता है, लेकिन भाषा आकलन के लिए पोर्टफोलियो सबसे बेहतर क्या होगा। तो आप 38 नंबर शिक्षा कलनस्य ये भी नहीं होगा आपका, लेकिन उभयम स्वतम आकलनस्य शिक्षा कालस्य च, यह आपका आंसर होगा, क्योंकि क्या कह रहा है, पत्राधानम तु स्वतः आकलनस्य विद्या कलनस्य शिक्षा कलनस्य च उभयम उदाहरणम अस्ति, यानी पत्राधान पोर्टफोलियो के लिए आपका यही आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि पोर्टफोलियो में बच्चे से सभी चीज़ें उसमें इंक्लूड होते हैं। चलिए 140 नंबर आइए, 140 नंबर, 140 थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको जूम करते हैं। चलिए क्या है, वर्ग पहली का क्रीड़ा वर्ध्यति, वर्ग पहली जो पढ़ते हैं वो बच्चे के लिए वर्ग पहली, तो वो कौन सा सही होगा, शब्द ज्ञानम, देखते हैं वर्ग पहली के लिए क्या मायने रखता है, साहित्यकम नहीं गलत बात है, भाषण लेखनम नहीं बच्चा लेख के माध्यम से नहीं वर्ग पहली का करता है, श्रवणम नहीं, लेकिन शब्द ज्ञानम होगा, वर्ग पहली का क्रीड़ा तु शब्द ज्ञानम वर्ध्यते, यानी आपका राइट आंसर शब्द ज्ञानम हो जाएगा। चलिए 41 नंबर देखिए, 41 नंबर देखिए, भाषण कौशलस्य गतिविधि आकलन समय अधोलिखितेषु की न आवश्यक कम, यानी भाषा कौशल के गतिविधि में आकलन के समय अधोलिखितेषु मतलब कौन सा आवश्यक कम है, यानी आवश्यक है, संभाषणम कौशल याद कर लीजिए, संभाषणम कौशल, संभाषणम कौशल में क्या आता है, इसको कह सकते हैं संभाषणम कौशल गतिविधि आकलन समय शब्द कोशो प्रयोग, अब इसमें देखिए शब्द कोश का प्रयोग होता है भाषा आकलन के लिए, शब्द कोश का प्रयोग होता है, शब्द कोश का प्रयोग होता है, भाषणे स्पष्ट नहीं ध्वनिनाम शब्दानाम उच्चारण के माध्यम से नहीं, संदर्भ यहाँ टैग जो वर्ड है वह अच्छा है, लेकिन क्या कह रहा है आगे देखिए, आकताणम शब्दनाम
उचित रूपेण प्रयोगम, यानी आपका क्या है यह उचित रूप से प्रयोग करना है। तो यानी संभाषणम कौशल में शब्दकोश का ज्ञान होता है बच्चे को, यही आपका राइट आंसर एक हो जाएगा, डी आपका नहीं होगा। चलिए 142 चलते हैं, देखते हैं 142। भाषाए अक्षर ध्वनि संबंध स्थापना द्वारा पठनस्थ अध्यापकम अस्ति। अब देखिए इसमें भाषाए अक्षर के लिए ध्वनि का संबंध किस पठन से है, आप बताइए, अब कमेंट करिए कि भाषा जो है भाषा या अक्षर ज्ञान, भाषा के लिए अक्षर ध्वनि संबंध स्थापन कौन सा पठन के लिए अच्छा है, तो बताइए इस या कौन सा शब्द के लिए अच्छा है। तो समग्र रूप से नहीं, ध्वनि भाषा अक्षर के लिए, अक्षर किस में होता है तो शब्दकोश में आता है, यानी फोनिक में थर्ड में आएगा आपका, आंसर आपका हो जाएगा डी। समग्र रूप से नहीं, आंशिक भाषा नहीं, प्रत्यक्ष विधि नहीं, यानी डायरेक्ट मेथड किस में होता है, बच्चा अपना प्रत्यक्ष रूप से देखता है उसको, उसी को प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं। लेकिन यहाँ आपका जो है शाब्दिक विधि यानी फोनिक मेथड आपका लगेगा, क्योंकि ध्वनि संबंध स्थापन अक्षर जो है आप लिखिएगा उसको ध्वनि में उच्चारण करिएगा पढ़ने के लिए, वही सही होता है। इसको संस्कृत में हम बोल सकते हैं लेकिन आप लोग समझिए, भाषाया अक्षर ध्वनि स्थापने द्वारा अध्यापनम तु शब्द शाब्दिक विधि आस्ती, यानी आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्य पुस्तकाद बहिर्गमनम इत्युक्ते, चलिए पहले देखते हैं आपका क्या है। पाठ्य पुस्तक ज्ञान केंद्रित ज्ञानम स्यात्, गलत है, पाठ्य पुस्तकात बहिर्गमन कृति छात्र भ्रम अधिक न वर्तते, नहीं ये गलत है। क्यों गलत है, पाठ्य पुस्तक बहिर्कृत छात्र के लिए अधिक, अधिक शब्द जहाँ दिखे आपका वह गलत है, निगेटिव वर्ड है, बिल्कुल काट देना है आपको। पाठ्य पुस्तक अतिरिक्त पूरक पाठ्य सामग्री प्रबंधनम, यह आपका सही है। लेकिन आप चौथा नंबर भी देख लेते हैं, पाठ्य पुस्तक उपेक्षा कृत्वा तत् बहिर्गमन, नहीं, पाठ्य पुस्तकम उपेक्षा कृत्वा तत् बहिर्गमन नहीं, यानी जो है पाठ्य पुस्तक अतिरिक्त रूप से पूरक और पठन सामग्री सामग्री प्रबंध एकदम बच्चा को पढ़ने के लिए बाहरी ज्ञान से भी इंक्लूड करके जोड़ के पढ़ाया जा सकता है। चलिए आइए 44 नंबर देखिए। भाष शिक्षक द्वितीय कक्षाया विद्यार्थी एकम अवारक निर्मातु निर्देश तदाति, विद्यार्थी निर्देश पालन करोति, भाषा कक्षायाम वैविध गतिविध सहायक कस्यति, यानी कह रहा है कि भाषा तृतीय कक्षा के लिए विद्यार्थी के लिए कौन सा निर्देश विद्यार्थी के निर्देशों का पालन करता है, भाषा कक्ष के लिए या गतिविधि के लिए कौन सा सबसे सहायक है, यानी आप किसी चीज़ को विद्यार्थी को सिखाते हैं तो उसको क्या सिखाते हैं कि पहले हम क्या करते हैं उसमें, तो देखते हैं यहाँ श्रवण कौशल विकास है, फर्स्ट ऑप्शन अच्छा लग रहा है लेकिन आगे भी चलेंगे देखेंगे। तेसा सर्व सृजनात्मकताया विकास है, नहीं,
लेखन कौशल विकास से लिखने से संबंधित नहीं है भैया, संभाषणम कौशल इससे संबंधित नहीं है, यानी राइट आपका आंसर श्रवण कौशल विकास से हो जाएगा, क्योंकि तृतीय कक्षा द्वितीय कक्षा का बात रहता तो हम उससे पठन संबंधित लगाते, लेकिन पठन तो है नहीं इसमें। चलिए हम आगे देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 के बाद 46 है, 45 नंबर आ जाइए। संविधानस्य 343 के दो अनुच्छेद अनुसारम, तो क्या होगा आंसर इसका कमेंट करके बताइएगा। संविधान के लिए अलंगा भाषा राजकीय भाषा नहीं, गलत बात है, सहायक राजकीय भाषा है, यानी सहायक राजकीय भाषा है 343 के अनुच्छेद में, आप याद कर लीजिएगा, यानी आपका राइट आंसर हो गया वह बी होगा। इसको संविधानस्य 343 के दो इति अनुच्छेदनम आंग्ला भाषा राज सहायक राजकीय भाषा अस्ति, यानी आपका बी आंसर राइट हो गया। चलिए 46 देखते हैं। अस्तेनेषु अभिजाता भाषा किम निष्कर्ष नास्ति, भाषा निम्नलिखित में से अभिजात भाषाया कौन सा निष्कर्ष उसके लिए सही है। ऑप्शन देखते हैं भाषा अनुसूचित भाषा वर्गे न सेत, यही राइट लग रहा है, लेकिन आगे भी देखते हैं। मौखिक साहित्य साहित्य शब्द नहीं चलेगा भाई, उसके आगे चलते हैं, निगेटिव वर्ड था साहित्य। उसके बाद है आपका सी आंसर, सी है भाषाया 1500 से दो हज़ार वर्ष पुरातन इतिहास लिखित नहीं, गलत है, भाषाया कानिश्चन प्राची साहित्यान महाकाव्याणी संति, नहीं ये भी गलत है आपका, यानी राइट आंसर आपका डी। कक्षाया वर्णम कृत्वा पदुपढ़ी बोधपड़क प्रश्न विद्यार्थीनाम श्रवण कौशल आकलन कर्तु कहते हैं, यानी विद्यार्थी के लिए श्रवण कौशल आकलन कर्तु कहते हैं, इसी में आपका श्रवण कौशल के लिए यही पकड़ना है आपको। श्रवण कौशल के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, श्रवण कौशल के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तो श्रवण कौशल के लिए आपको अधिक मौन वाचनम अवसरम प्रदानम, अवसर जो है लेकिन इसको रहने देते हैं, अभी नहीं लगाते हैं, छात्रनम भ्रमणार्थ बही नृत्व नहीं। श्रवण कौशल मतलब सुनने से संबंधित, सीखने सुनना और सीखना किसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, तो भ्रमण बही खाली बाहर घूम के सीख सकता है, लेकिन आप इसमें देखिए क्या प्रतिदिन पुनः पुनः अभ्यास द्वारा नहीं, प्रतिदिन पढ़ने से भी सीख सकते, श्रवण सुनने से, तो जिसमें ज़्यादा अधिक प्रयोग होता है जिसमें सुना जा सके, यानी आपका आंसर क्या होगा अभी देखते हैं, डी नंबर क्या होगा। कथाया वर्णम कृत्वा तदुपरी बोधपरक प्रश्न है, यानी आप बच्चे को भाषा श्रवण कौशल जो है आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, राइट आंसर डी होगा आपका, क्योंकि यहाँ देखिए श्रवण कौशल कह रहा है, श्रवण कौशल के लिए यह मौन वाचन नहीं होगा, भ्रमण नहीं होगा, आपका प्रतिदिन अभ्यास करने से नहीं होगा, लेकिन कथाया में सुनना पड़ता है, सुनने से ही वह कौशल का विकास होगा। इसको संस्कृत में हम कह सकते हैं कक्षाया वर्णम कृत्वा
तदुपरि बोध बोधपरक प्रश्न है, बोधपरक प्रश्न से आपका काम चलेगा। और यह जो विद्यार्थी है वह श्रवण कौशल से आकलन कितु साख्या। चलिए उसके बाद हम 48 नंबर देखते हैं आपका क्या है। 48 नंबर पठनस्य प्रारंभिकस्तो शिक्षम ध्यानम दत्तात्, यानी आप कह रहा है कि पठन से प्रारंभिक स्थिति कैसा है, शिक्षक किस पर ज़्यादा ध्यान देगा। तो भाषा से समय पढ़ने समय उसमें अर्थ ग्रहण करना होता है, अक्षर ध्वनि शिक्षक जो करेगा उसका अध्ययन प्रारंभिक कक्षा में तो किस पर ध्यान देगा, अक्षर ध्वनि एकदम राइट है, अक्षर ध्वनि समन्वय। लेकिन पठनस्य शुद्ध ये नहीं होगा आपका, भाषाया वर्णमाला यह तो निगेटिव वर्ड है, कंठस्थ करना तो है नहीं। पठनस्य प्रवाह है, पढ़ने से प्रवाह धारा प्रवाह पढ़ने से नहीं होगा। उसके बाद चलते हैं 149 क्वेश्चन, श्रवण पाठन पठन चयो क्या होगा आपका, ये भी नहीं होगा। यानी क्योंकि यह कह रहा है क्या, रुचियुक्त उत्पादक कौशल नहीं, चिंतन कौशल नहीं, आपका ग्रहणात्मक कौशल। श्रवण पठन के लिए कौन सा कौशल बेहतर है, तो श्रवण और पठन इसका देखे होंगे चार गो होता है, सुबोपली सुनना सुनना बोलना बोलना पढ़ना लिखना। सुनना बोलना पढ़ना लिखना यह चार कौशल है, जिसमें से हम श्रवण और पठन किससे है तो ग्रहणात्मक कौशल में आता है। सु अब देखिए सुप यानी सुप याद रखिएगा आप, एक ट्रिक बता देते हैं आपको, बता देते हैं सुप यानी सुनना सुनना और प से पढ़ना। यह कौन दोनों सुनना और पढ़ना, श्रवण मतलब सुनना और पढ़ना किस कौशल में आता है, तो यह आता है ग्रहणात्मक कौशल, ग्रहणात्मक कौशल में आता है ठीक है। और जो सुप सुनना और पढ़ना बोली बोलना और लिखना जो आता है अभिव्यक्तात्मक कौशल वह इसमें आएगा अभिव्यक्तात्मक में। लेकिन श्रवण और पठन किस में आएगा, तो ये आपका सी आंसर राइट हो जाएगा, ग्रहणात्मक कौशल होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर मेरा, युवा लेखनम आवश्यकता अनुसारम शिक्षिका प्रतिक्रिया कुर्यात्, पटी नाम नाम उपेक्षा कर्त्य निर्दिश्य नहीं, गलत बात है। कक्षाया तेषाम उत्तम लेखनाम समानम कृत्वा, गलत बात है। तय कृता व्याकरण तुष्टिना विस्तृत नहीं, ये भी गलत बात है। तय समयक कार्य कृतम इति प्रशंसा तेसा कृतव उदाहरणम विशिष्ट, हम इसको संस्कृत युवा लेखनम आवश्यकता अनुसार शिक्षिका प्रतिदिन कुर्यते, इसका आंसर हम बता रहे हैं आपका राइट आंसर डी होगा। कैसे होगा तो हम संस्कृत में आपको बता रहे हैं, आवश्यकता अनुसारम युवक लेखम तय समय कार्य कृतमिति प्रशंसा कृत्वा तेसा कृतिभ्य उदाहरणम कृत्वा विशिष्ट विशिष्ट टिप्पणी च तत्वा दत्वा शिक्षिका
प्रतिक्रिया कुड़ियात, यही आपका राइट आंसर होगा। तो आपको हम 15 क्वेश्चन रोज लेके आएंगे और रोज पेडागोजी का क्लास कराएंगे। आपका बिल्कुल कमज़ोर है तो हम ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे और कौन सा टैग वर्ड अच्छा है संस्कृत के लिए और कैसे हम मारेंगे कि मेरा ज़्यादा सही होगा। अब यहाँ देखिए, आप एक क्वेश्चन जो हम आपको बताए हैं 150 यानी युवा लेखनम वाला जो बताए हैं, यहाँ देखिए क्यों, क्योंकि यह ज़्यादा संख्या में दिखाई दे रहा है, इसमें सारा बातें इंक्लूड किया हुआ है, इसलिए आपका देखिएगा जहाँ ज़्यादा शब्द में कहे वह आंसर ज़्यादा सही होता है, इसलिए सीटेट में टैग वर्ड आप लोगों के यही काम आएगा। तो फिलहाल इतना ही, फिर कल मिलते हैं, धन्यवाद।